स्टार्ट करते हैं एक गौरैया और घमंडी हाथी से। आज की वीडियो का टाइटल है मनश्वाने गौरैया और घमंडी हाथी। तो एक बार एक जंगल में बड़े से पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता और वह घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करती। गौरैया अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। पंचतंत्रा की कहानी द स्पैरो एंड द एलिफेंट। उसी जंगल में एक गुस्सैल हाथी में रहता था। वो हाथी वहाँ आधम का और आसपास के पेड़ेज पौधों को रौंदते हुए तोड़ा फोड़ा करने लगा। उसी तोड़ा फोड़ा के दौरान वह उस पेड़ तक भी पहुँच गया जहाँ गौरैया रहती थी। उस हाथी ने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, लेकिन वह पेड़ बहुत मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ा पाया और थक कर वहां से चला गया। लेकिन उसके पेड़ को जोर जोर से हिलाने से गौरैया का घोंसला टूट कर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। पंचतंत्रा की कहानी द स्पैरो एंड द एलिफेंट। गौरैया यह देख बेहद आहत हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वापस आ गया। उसे सारा किस्सा पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने व उसे सबक सिखाने की बात सोची। उनका एक मित्र था जो कठफोड़वा था। वे उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। कठफोड़वा के दो अन्य दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। पंचतंत्रा की कहानी द स्पैरो एंड द एलिफेंट। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसका संगीत भा गया। उसे उसके संगीत में मजा आने लगा और वो पूरी तरह उसके संगीत में तल्लीन हो गया। इसी बीच कठफोधवा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखों पर वार किया। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस आवाज की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया।